दोस्तों, वैवाहिक जीवन की मजबूत नींव एक बेहतर फैमिली प्लानिंग पर टिकी होती है। अक्सर देखा जाता है कि एक महिला और पुरुष खुद को सक्षम बनाने के बाद ही बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सोचते हैं, और देखा जाए तो यह काफी हद तक सही भी है। मगर क्या आप जानते हैं कि बच्चे के जन्म के लिए आपकी सही उम्र क्या होती है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साइंस मैनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भ धारण करने की सही उम्र क्या है। एक महिला या पुरुष कितने समय तक बच्चे के जन्म को टाल सकते हैं, और शुरुआती प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कितना सही है प्रेगनेंसी पिल्स का इस्तेमाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही कई अनसुलझे सवालों के जवाब लेकर आया हूं सिर्फ आपके लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, गर्भ धारण के लिए सबसे सही उम्र की बात करें तो जिंदगी के जिस पड़ाव पर एक महिला खुद को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार पाती है, वही उसके लिए गर्भ धारण की सही उम्र होती है। यह और बात है कि प्रत्येक महिला के लिए संपूर्ण परिपक्वता का यह समय अलग अलग हो सकता है। वहीं यदि हम बात करें इस गहन विषय के विशेषज्ञों की, तो उनके अनुसार 20 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की आयु गर्भ धारण के लिए सबसे सही मानी जाती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस उम्र में महिला गर्भ धारण के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होती है। इस उम्र में महिला में स्वस्थ और उपजाऊ अंडों की उपस्थिति अधिक रहती है, और एक से ज्यादा बार गर्भ धारण करने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। उम्र के साथ महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से गर्भ धारण करने में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, और बढ़ती उम्र के साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से एक कपल बच्चा पैदा करने में जल्दी या देरी का फैसला करता है। हालांकि प्रत्येक फैसले के पीछे व्यक्ति विशेष की अपनी अलग अलग सोच व राय हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के बारे में जल्द विचार कर लेते हैं, वहीं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस काम के लिए सही समय का इंतजार रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं भविष्य में इन दोनों पहलुओं से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं देर से बच्चे होने के फायदों के बारे में। नंबर एक, देर से बच्चे होने की स्थिति में अधिकांश माताएं अच्छी शिक्षा और बेहतर करियर हासिल कर लेती हैं, जिससे उनके बच्चों को भविष्य में बेहतर जिंदगी के लिए समझौता नहीं करना पड़ता। नंबर दो, बच्चे की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर पाने में खुद को समर्थ पाती हैं। नंबर तीन, बच्चे को स्वस्थ जीवन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर चार, बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव कायम रहता है। नंबर पांच, समर्थ होने की स्थिति में प्रसव से पहले और बाद में चारों तरफ का माहौल खुशनुमा बना रहता है। चलिए बात करते हैं कम उम्र में बच्चे होने के फायदों के बारे में। नंबर एक, कम उम्र होने के कारण शारीरिक ऊर्जा अधिक होती है। नंबर दो, बच्चों के साथ उम्र का फासला कम होने के कारण जुड़ाव बना रहता है। नंबर तीन, रात को बच्चों की उठकर देखभाल करने में अधिक परेशानी महसूस नहीं होती। नंबर चार, आपका युवा होना बच्चों में आपके प्रति अधिक भरोसा पैदा करता है। नंबर पांच, बुढ़ापा आने से पहले बच्चों की शिक्षा व रोजगार संबंधी सभी समस्याओं के हल होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। माना जाता है कि 12 मासिक चक्रों के बीच 31 साल से कम उम्र की महिलाओं में 74% गर्भ धारण की संभावनाएं होती हैं। वहीं 31 से 35 साल की महिलाओं के लिए यह संख्या घटकर 62% तक रह जाती है। 35 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं की बात करें तो उनके लिए यह संभावना लगभग 54% तक होती है। इस प्रकार यह समझा जा सकता है कि उम्र के साथ
गर्भधारण की संभावनाएं कम होती जाती हैं। अब बात करते हैं 20 साल की उम्र से पहले गर्भधारण से क्या क्या हानि और लाभ हो सकते हैं। नंबर एक, प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी के कारण मां का कोमा में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर दो, बच्चे के जन्म के बाद लगातार ब्लीडिंग होते रहना, यह भी आम बात है। नंबर तीन, बेहतर तरीके से भ्रूण का विकास नहीं हो पाता। नंबर चार, भ्रूण खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं 20 से 29 साल के बीच गर्भधारण की क्या क्या लाभ हानि हो सकती है। नंबर एक, गर्भधारण के लिए महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होती हैं। नंबर दो, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी समस्या के होने की संभावनाएं न के बराबर होती हैं। नंबर तीन, एक से अधिक बार गर्भधारण की संभावनाएं रहती हैं। नंबर चार, स्वस्थ और परिपक्व अंडों की उपस्थिति रहती है। अब बात करते हैं 30 से 39 वर्ष के पड़ाव पर क्या मुश्किलें आती हैं। नंबर एक, उम्र के इस पड़ाव पर गर्भधारण में साधारण तौर पर 62 से 54% तक संभावनाएं रहती हैं। नंबर दो, वहीं IVF यानी कृत्रिम तरीके से गर्भधारण की बात करें तो उम्र के इस पड़ाव पर महिलाओं में गर्भधारण की संभावनाएं लगभग 28 से 18% तक ही रह जाती हैं। नंबर तीन, गर्भपात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर चार, भ्रूण में क्रोमोसोमल असमानताएं यानी जेनेटिक डिसऑर्डर होने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। नंबर पांच, प्रेगनेंसी के दौरान शुगर और प्लेसेंटा प्रीविया यानी गर्भनाल का गर्भाशय ग्रीवा पर लिपट जाने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे 40 से 49 साल के बीच गर्भधारण की स्थिति के बारे में। नंबर एक, प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। नंबर दो, लगातार चिकित्सकीय देखरेख की आवश्यकता ज्यादा रहती है। नंबर तीन, थ्रोम्बोसिस यानी खून का नसों में जमने का खतरा बना रहता है। नंबर चार, गर्भाशय में होने वाला दुर्लभ ट्यूमर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक होने का खतरा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 50 साल के बाद होने वाली प्रेगनेंसी की। नंबर एक, उम्र के इस पड़ाव पर मां बनने की संभावनाएं लगभग न के बराबर होती हैं। नंबर दो, समय से पहले प्रसव या सिजेरियन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नंबर तीन, गर्भपात की संभावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। नंबर चार, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक प्रकार का हार्ट अटैक होने का भी खतरा बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भविष्य में गर्भावस्था सुनिश्चित करने वाले एक ऐसे विकल्प की जिसका नाम है एग फ्रीजिंग। जी हाँ दोस्तों, एग फ्रीजिंग फ्यूचर में गर्भावस्था सुनिश्चित करने का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार 38 वर्ष से कम आयु की कोई भी महिला एग फ्रीजिंग करा सकती है। यह प्रक्रिया भविष्य में गर्भधारण के जोखिमों को काफी हद तक कम करने में कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान घरेलू और आसान टिप्स के लिए कमेंट्स करें, हो सकता है उसके लिए भी आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स और लाइक्स के जरिए जरूर बताएं। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए साइंस मैनिक। और अंत में आज का मैनिक सवाल, सांप के कितने कान होते हैं?